हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जकरिया खान TribuneHindi.com पे हाजिर हूँ। भोपाल में इकबाल मैदान में चल रहे प्रदर्शन में हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के मशहूर पत्रकार जावेद साहब। जावेद साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है, कैसा लग, क्या कहेंगे आप? देखिए के स्वागत के लिए तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा होता है। जब हम किसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं, अपनी बात को रखते हैं, तो लोगों तक हमारे विचार जाते हैं। किसी बैनर की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हक बात कर रहे हैं तो छोटा सा जो बैनर है वो ही अपने आप में बहुत आगे होता है। क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, तो मैं एक पत्रकार के नज़रिए से पूछना चाहूँगा, जिस तरह से भोपाल में, देश की राजधानी दिल्ली में तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं, भोपाल में जो अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहे हैं, भारत पैकेज हुआ, यहाँ हुआ, या कुछ रैली निकली है, कुछ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुए, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबको विरोध करने का सबको अधिकार है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग जो इस वक्त जो जनरेशन जुड़ी है वो यूथ है, और ये पहली बार ऐसा है कि एक अज्ञानी या एक कम पढ़े लिखे या गरीब की लड़ाई पढ़े लिखे लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, क्या आपको इन पूरे प्रोटेस्ट में ऐसा नहीं लगा कि सिर्फ मुस्लिम ही मैदान में है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे साथ पर जो इकबाल मैदान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 60-70% लोग गैर मुस्लिम हैं, मुसलमान भी हैं उसमें, मगर ये कि बात हक जिसको समझ में आ गई तो वो तो विरोध में आ गया, और जिसके समझ में नहीं आई वो अभी भी CA, NRC और NPR के समर्थन में है। मैंने खुले तौर पर मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आपको समझना है मुझसे, आप बताइए कि इससे देश हित ज़रा सा भी अगर NRC या NPR में जो आपने नया अमिटमेंट किया उससे, या कुछ भी इससे CA से कुछ एक ज़रा सा भी फ़ायदा है या देश हित में कुछ ज़रा सा भी है तो आप मुझसे बात कीजिए। अगर आप उसको जस्टिफाई कर पाए तो मैं विरोध करना बंद कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़, मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं, देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, भोपाल में हो रहे हैं, प्रदेश की राजधानी में, इन पूरे प्रदर्शन में हमने बात की जो मतलब मुस्लिमों के अलावा अन्य जो लोग हैं जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इनके अलावा एक अलग चीज़, इस कानून के समर्थन पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बड़ी हंसी की बात है कि विरोध हमेशा सरकार के खिलाफ होता था, मगर सरकार पहली बार समर्थन में विरोध कर रही है, तो ये एक बड़ा हंसने वाली चीज़ है कि इसमें आपको खुद समझ में आएगा कि मतलब सरकार ने जो एक्ट लेकर आई और उसके समर्थन के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, BJP के कार्यकर्ताओं को लगा दिए कि भाई इसका समर्थन करो, ये अजीब सी बात है। नहीं तो मैं, जैसे कि अभी बात चल रही थी हमारी जी, आपने मुझसे बातचीत में बताया था कि BJP के प्रवक्ता समित पात्रा, उन्होंने ट्वीट किया कि 500,000 रुपये में लोग आते हैं जी, आपने उसमें एक रिप्लाई की बात कही थी, क्या रिप्लाई दिया था आपने? मैंने कहा था कि आप भी सपरिवार आए, आपने उनके ट्वीट किया रिप्लाई जी जी, तो मैंने उस पर कहा कि आप भी सपरिवार आइए, मतलब 500 रुपये आपको भी दिए जाते हैं, आप भी आइए। अब वो अंडरस्टूड है, और इसके अलावा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 500,000 रुपये में यहाँ लोग आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप 1,000 रुपये दे के उनको वापस अपने प्रोटेस्ट में इसके अगेंस्ट ले जाइए, और आपके पास तो पैसा भी बहुत है। एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच करके एक संगठन है RSS का जो मुस्लिमों में काम करता है जी, इस संगठन ने इस CA NRC वगैरह के सपोर्ट में बहुत अलग अलग जगह अपना आंदोलन या एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह चालू की, दिल्ली में भी हुई थी जिसमें कुछ लोगों ने विरोध किया, निकाला गया, इस संगठन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर तेजाब के छींटों से अगर किसी की नींद ना खुले तो आप उसे मुर्दार ही समझ लीजिए कि वो इंसान फिर जीवित नहीं है। अगर ये बात सिर्फ आप अपने पर्सनली मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आप किसी नीति का या किसी एक्ट का समर्थन कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गिरी हुई बात है। ये जनरल लोगों की लड़ाई है, कमज़ोर वर्ग की लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है, इसमें अगर आप पार्टी को समर्थन में और ख़ासतौर से मुसलमान अगर इस तरह के उससे जुड़े हुए हैं तो मैं कहता हूँ कि ये ज़िंदा कौम में से लोग नहीं हो सकते। इकबाल मैदान में प्रोग्राम हो रहा है, शाहीन यहाँ पे एक बहुत बड़े मीनारे पे बना हुआ है और शाहीन बाग का जिक्र हो रहा है, दिल्ली के अल्लामा इकबाल के साथ मतलब शेरो शायरी, इस मतलब हर तरह से प्रोटेस्ट के एक अलग ही नज़ारे नजर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे माहौल में फैज़ अहमद फैज़ की नज़म का हम देखेंगे का भी जिक्र हो रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा कुछ माहौल भोपाल में नज़र आया आपको नज़म वगैरह का, गीत का, संगीत का? फैज़ अहमद फैज़ की जो नज़म है उसको समझने के लिए आपको फैज़ की फितरत में आना पड़ेगा, और अगर आप जाहिलों के अंदाज में उसको पढ़ेंगे तो उसका मतलब अर्थ का अनर्थ होगा।
को मतलब एक तरीके से एक इंकलाबी नज़म को इंकलाबी अंदाज में ही पढ़ा जाए, पढ़ा जाए और समझा भी जाए उसको कि देखिए क्या होता है कि हर मौजू पे बात अलग ढंग से कही जाती है। अगर मैंने आपसे कहा कि आप जाइए तो किस मौजू पे कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, इसके जब तक आप बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे तो आप उसका अर्थ का अनर्थ निकालेंगे। शाहीन बाग में महिलाएं बच्चे रात दिन पूरा एक करके मतलब उस स्थान पर इकट्ठा होते हैं, भोपाल में ऐसा कब होगा कि रात दिन उस जगह पे लोग डेरा जमाए? देखिए हमारे यहाँ भी जो इकबाल मैदान में चल रहा है इसमें कभी कम तादाद होती है कभी ज़्यादा होती है, और एक साल के बच्चे बल्कि हम तो कहेंगे कि 15 दिन के बच्चे से एक महीने से, अभी आप देखें जाकर एक महीने के बच्चे से लेकर और बुज़ुर्ग तक हैं यहाँ पर मौजूद। तो आखिर ऐसी कौन सी शिद्दत है जो इनको यहाँ खींच कर लाए? कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की गई आगे भी कहीं इस तरह की कुछ आगे किया जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये है कि हम भारत जो हमारा एक गुलदस्ते की तरह है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिलकर रहते हैं, वहाँ पर एक नफ़रत की दीवार खड़ी ना हो जाए जिससे कि एक गरीब को एक आम आदमी को नुकसान हो, इसलिए वो शिद्दत खींच कर लाती है जो चाहे शाहीन बाग हो या इकबाल मैदान हो या हिंदुस्तान में जहाँ भी चल रहे हैं वो वहाँ लोगों को खींच कर लाई है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे भोपाल के मशहूर पत्रकार जावेद साहब। हम और भी लोगों से बात करते रहेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे इस मुद्दे पर भोपाल में। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक में हमारा यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।